आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय चैनल मनी ट्री। और दोस्तों आज एक और स्टॉक में हम सभी को हॉरिबल फॉल देखने को मिला। इन्फीबीम के अंदर आज 70.83 यानी 70.83% का डाउनसाइड आया। स्टॉक ओपन हुआ था लगभग 200 रुपये पर, बंद हुआ लगभग 53 रुपीज़ की रेंज में। क्या कारण था इन्फीबीम का, क्यों गिरा, अभी तक कोई भी प्रॉपर रीज़न क्लैरिटी नहीं है। मार्केट में अलग अलग बातें चल रही हैं बट एक्चुअल रीज़न क्या है वो अभी तक नहीं पता। लेकिन क्या इन्फीबीम में ये जो कहानी चल रही है, इसकी जो नींव थी, इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, क्या वो मई के महीने में भी में ही लिख गई थी, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जब हमने स्टॉक के, जब हमने कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न को देखा तो हमें एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली मई शेयरहोल्डिंग पैटर्न में। और जो इंडिकेशन दिया था जिसने कि भाई अब कहानी शुरू हो रही है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। साथ ही जो जून क्वार्टर के नंबर्स थे वो भी काफ़ी ख़राब थे कंपनी के। सो क्या रीज़न, चलिए कुछ हमारे पास यू नो ऑनलाइन न्यूज़ हैं तो हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ था आज। DHFL में आप ये देख रहे हैं, जागरण ने जो न्यूज़ दिए वो दिए कि शेयर बाजार में जारी उठापटक के बीच इन्फीबीम का शेयर 60% टूट गया। हालांकि 17.83% टूटा है और कल इसकी AGM है यानी 29 सितंबर को इसकी AGM है और उससे पहले स्टॉक में इतनी भारी भरकम गिरावट। हालांकि कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस ने, NSE ने कुछ इनसे क्लैरिफिकेशन मांगे थे इनवैलिड लोन्स के लिए, यानी कि गलत तरीके से लोन प्रोवाइड कराने के लिए इनकी कुछ अदर सब्सिडीज़ के लिए, अदर कंपनीज़ के लिए। सुनने में आ रहा है कि इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया था जो कि एक यू नो अनसिक्योर्ड लोन में काउंट होता है और जिसका यू नो अगर कहा जाए कि जो एक ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट में इनको एक गलत पाया गया और जिसके बाद ही स्टॉक में एक सेलिंग आई। यहाँ पर आप देखेंगे, हम लोग और दिखाएंगे यहाँ पर इन्फीबीम सिक्योरिटीज़ का। द शेयरहोल्डिंग प्रमोटर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप वाज 45.63 एज ऑन 31st March 2018। इन द मे 2018 द टोटल शेयरहोल्डिंग 11,98,60,000 इक्विटी शेयर्स वाज इश्यूड टू द शेयरहोल्डर्स टू ट्रांसफियर कंपनी पोस्ट रिसीप्ट ऑफ द मर्जर ऑर्डर एंड हैंस द शेयरहोल्डिंग ऑफ द प्रोमोटर्स एंड द प्रोमोटर ग्रुप वाज डिक्रीज फ्रॉम 45.63% टू 37.38% एज ऑन June 30, 2018। द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रोमोटर्स एंड द प्रोमोटर ग्रुप वाज 37.9। वी कन्फर्म दैट देयर इज नो सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी बाई एनी ऑफ द प्रोमोटर ऑफ अवर कंपनी सिंस इट्स लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल द अबव डिटेल्स हैव बीन टाइमली एंड द फुली डिस्क्लोज्ड एंड आर अवेलेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। साथ ही ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से एक व्हाट्सएप मैसेज थ्रो हुआ जिसके हिसाब से जो एक्वेरिस एनालिस्ट है उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी उसके बाद स्टॉक ने गिरना शुरू किया और ये एक यू नो एक्वेरिस का जो व्हाट्सएप मैसेज थ्रो होना शुरू हुआ ट्रेडर्स के बीच में, वहाँ पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हुआ। एक्वेरिस कैपिटल सेड दैट इट हैज़ ओनली रिलीज द पोस्ट कॉन्फ्रेंस नोट एज इनक्लोज एंड देयर हैज़ बीन नो रिपोर्ट फ्रॉम आवर एंड टू द कंपनी। द डिक्लाइन मैनेज्ड to wipe over 9,200 crore of the wealth in Infibeam investors. लगभग 9,200 crore की वेल्थ जो होती है वो खत्म हो चुकी है आज की तारीख में इन्फीबीम की। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ और देखने को आई थी, इन्होंने एक इनवैलिड लोन यानी कि जो कहना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लोन, या यहाँ पर आएगा अभी ऊपर को मैं आपको दिखाता हूँ। आवर्स लिस्टेड इन्फीबीम when you said that it has given interest free unsecured loan to its subsidiary NSI इन्फीनियम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया है एक डेट ओरिएंटेड कंपनी को जो भी NSI इन्फीनियम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और जिसके चलते दीज लोन्स आर शॉर्ट टर्म लोन्स है और ये कह रहे हैं एक शॉर्ट टर्म लोन्स है जो कि रीपेबल होंगे बट कहीं ना कहीं ऑडिट्स में इनको नहीं दिखाया गया है, गलत तरीके से शो किया गया है और उस ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही जो एक व्हाट्सएप मैसेज थ्रू हुए ट्रेडर्स के बीच में और एक तरीके का एक नेगेटिव र्यूमर जनरेट हुआ पूरा
क्या अभी एक्चुअल में रियलिटी है स्टॉक में, क्या एक्चुअल रीज़न है वो भी नहीं पता है, क्योंकि जो कंपनी के एमडी से बात करने की कोशिश की गई मीडिया हाउसेस के थ्रू, तो वहाँ पर उन्होंने फ़ोन कॉल्स नहीं उठाए और किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। तो फिलहाल अभी तक कोई एग्जैक्ट रीज़न, एक कहना चाहिए एब्सोल्यूट रीज़न अभी तक नहीं नज़र आया इन्फीबीम के गिरने का। बट जिस तरह से हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको जून के यहाँ पर हम देखेंगे आपको, और मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा। जिस तरह से 2 जून 2018 को जो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज किया गया, उसमें कंपनी के प्रमोटर ग्रुप के पास 36.58% का स्टेक था, यानी कि 36.58%, जबकि उससे ठीक पहले मार्च 18 में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्लेयर किया गया था वो 45.78, यानी कि मार्च के बाद जो जून में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसमें लगभग 8% शेयर होल्डिंग डिक्रीज हो गई थी। और वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है, जो नॉमिनी जिनके पास एक्सेस 1 लाख की ज़्यादा की अमाउंट कैपिटल इन्फ्यूज है, उनका जहाँ 26.14% स्टेक इन्वॉल्व था, उनका स्टेक बढ़ के लगभग 39% के आसपास पहुँच गया था। ये आप देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो हैं, जो कि नॉमिनल शेयर कैपिटल जिनका एक्सेस ऑफ ₹1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उनके जो इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो गया, जो स्टेक होल्डिंग बढ़ के हो गया, वो 39% हो गया। तो कहीं ना कहीं मार्च से जून क्वार्टर के बीच में ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। अगर जून क्वार्टर के आप नंबर देखेंगे, तो चूंकि जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की सेल, मतलब स्टेक भी सेल हुआ, साथ ही जब आप क्वार्टरली नंबर्स को देखेंगे तो वो भी नंबर्स भी काफ़ी ख़राब डिक्लेयर किए गए कंपनी के द्वारा। आप देखेंगे जहाँ पर जो टॉपलाइन सेल थी 17 करोड़ थी जून 17 में, और टॉपलाइन बढ़ के 91 करोड़ पहुँच गई। उसके बाद आप देखेंगे इनके अदर एक्सपेंसेस, जहां पिछली बार 8 करोड़ के 8.5 करोड़ के अदर एक्सपेंसेस थे, इस बार लगभग 86 से 87 करोड़ के आसपास के अदर एक्सपेंसेस थे, और टोटल जो इनका टोटल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आया वो तकरीबन 15 करोड़ का लॉस कंपनी ने डिक्लेयर किया, जिसमें 3.5 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का लॉस था। सो ये सारी चीज़ें, जहाँ पिछली बार 7 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर में, इवन 17 करोड़ की सेल के बाद, वहीं अब की बार 92 करोड़ की सेल के बाद भी तकरीबन 15 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया कंपनी ने। तो यहाँ पर क्या कुछ मैनिपुलेशंस किए गए बैलेंस शीट के अंदर, क्या कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स में गलत पाया गया, जिसके चलते एक र्यूमर्स चले, व्हाट्सएप मैसेजेस चले ट्रेडर्स के बीच में, और एक बड़ी सेलिंग आई स्टॉक के अंदर, और स्टॉक गिर के तकरीबन 70.83 गिरा और 58.45 पे रुका। फिलहाल इसकी जो पीई है वो अभी 45 की चल रही है, और इसका जो अगर इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो अभी इसकी पी लगभग 25.43 तक आनी चाहिए, और उसके हिसाब से जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो लगभग 35 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, जो कि इसका फेयर प्राइस होना चाहिए एज़ पर इंडस्ट्री पी। तो 30 से 35 की रेंज पॉसिबल है इन्फीबीम के अंदर आने वाले दिनों में। तो आप लोग सावधान रहिए, अगर आप लोगों का निवेश है तो आप लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, या फिर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसमें बने रह सकते हैं। लेट्स सी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि फिलहाल तो 58 है, अगर आप 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर 50 रुपीज़ के नीचे आए तो आप लोग एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद लगभग 30 से 35 रुपये की रेंज में इन्फीबीम के आने की संभावना है। फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहने की सलाह होगी आप सभी लोगों को, क्योंकि इतना अनफॉर्चुनेट फॉल, और कल जिस तरह से AGM है, AGM का आउटपुट भी हमें मिल जाएगा, और लेट्स सी देखते हैं कि मंडे को किस तरह से इन्फीबीम की ओपनिंग होती है। नोबडी नोज, हो सकता है ऊपर की तरफ चला जाए, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, इन्फीबीम में आप लोग सावधान रहिए, और इस वक्त किसी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट से भी बचिएगा, अपने कैपिटल को बचा के रखिएगा, मार्केट को बॉटम आउट होने दीजिए, उसके बाद ही आपको अच्छे प्राइस पे स्टॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन प्रेस करेंगे तो अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। और दोस्तों, ज़्यादा पैसा मार्केट में डुबोने से बेहतर है आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, हम आपको बताएंगे कि क्या आपको पोजीशन बनानी है या नहीं। आप अपने हज़ारों रुपए के एवज में केवल मात्र 600 रुपीज़ में हमारी मेंबरशिप के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, और हम आपको बेस्ट एंट्री एग्जिट टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस बताएंगे, जहां पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव होगा और आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ पाएंगे। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मनी ट्री। थैंक यू फ्रेंड्स।